एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपने अपने आप को चुप कर रखा है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल शांत हो गए हो, अब आप अपने पर्सन के सामने रो नहीं रहे हो, उनसे बात करने की मिन्नतें नहीं कर रहे हो, तो आपके ये चुप होने का क्या असर पड़ रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग के ऊपर, तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपका यहाँ पर चुप रहना ज़रूरी है, तभी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, क्योंकि उसी का असर क्या पड़ रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ के ऊपर, इनके दिल के ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर, तो तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। अदरवाइज़ इस रीडिंग का देखने का आपका कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता है, ठीक है। उसकी अलग रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके अलग गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर आप ही के पास आनी है, ठीक है, कैसे भी आए वो। फिर तो देखने जा रहे हैं कि आपके चुप होने का क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके दिल और दिमाग पर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके दिल और दिमाग पर। व्यूअर्स के चुप रहने का क्या असर पड़ रहा है। रिसेप्टिव गाइड कीजिए और बताइए क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। क्रिएटिव गाइड कीजिए और बताइए। द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट गाइड कीजिए, बताइए क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। व्यूअर्स के चुप होने का सर लिमिटेशंस गाइड कीजिए, बताइए क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स पर। इन्फ्लुएंस एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है इंक्रीज। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज़ डिस्कस करेंगे। मेजरली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, यानी कि मेजरली असर पड़ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके दिल और दिमाग पर, आपके चुप रहने का, ठीक है। एनीवेज़ पहले एनर्जीज़ जैसे यहाँ पर है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपकी लिब्रा की एनर्जी, ये आपकी कैंसर की एनर्जी और ये आपकी लियो की एनर्जी है। तो मेजरली यहाँ पर ये एनर्जीज़ आई है। उसके अलग अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगे तो और डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। देखिए, बेसिकली मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आप लोगों के चुप होने से पहले आप लोगों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, यानी कि आप लोगों का रिश्ता एक वक्त पर हार और जीत का मैदान बना, जिसमें ये देखा गया कि कौन जीता कौन हारा और अल्टीमेटली आपने अपने आप को चुप कर लिया। उस वक्त पर डेफिनेटली आपको ये चीज़ें लगी कि आप हार गए हो और आपने उसी हार की वजह से अपने आप को चुप कर लिया, ये सोच करके इस पर्सन की सोच अभी आपसे बहुत अलग हो गई है, ये अब आपके लिए बहुत नेगेटिव हो गए हैं, इनके ऊपर बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने तो अपने आप को इसीलिए चुप करा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था एक वक्त पर कि अब आपका बोलना बेकार है, क्योंकि इनके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि जब आपने अपने आप को चुप करा, तब इस पर्सन को ये समझ में आया कि आपने अपने आप को
चुप कर कर अपने आप को जिताया, आपने अपनी बात को जिताया, या आप जो इन्हें समझाना चाह रहे थे, जो इन्हें भरोसा दिलाना चाह रहे थे, उस बात को आपने इनके सामने अपने आप को चुप रख कर प्रेजेंट करा है, तो ये प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है आपके चुप रहने का। यानी कि जब तक आप बोलते रहे तब तक ये डेफिनेटली ये सोच बनाकर रखते रहे कि आप इनसे जीतने के लिए सच्ची और झूठी बातें कर रहे हो, या आप जो भी बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। लेकिन जब आपने चुप करा अपने आप को, तो इन्हें समझ में आया कि एक्चुअली में आप इन्हें क्या समझाना चाह रहे थे, और आप उस बात के लिए कितने ज़्यादा सही थे, आपकी वो बात कितनी ज़्यादा सही थी, कितनी ज़्यादा जेन्युइन थी आपकी वो बात, तो वो असर इनके दिल और दिमाग पर पड़ रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने अपने आप को चुप क्या करा, इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली अब आपने अपने आप को चुप कर कर इस पर्सन के लिए इन अपने और इनके बीच में एक लिमिटेशंस बना दी है, एक बाउंड्रीज बना दी है, जिसे आपने सेल्फ रेस्पेक्ट का नाम दे दिया है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी तो डेफिनेटली तुम्हें मेरा मान सम्मान रखना होगा। सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और इसीलिए आपने अपने आप को चुप करा और उस लिमिटेशंस के साथ आपने इस पर्सन पर कंट्रोल करा है। तो इनके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है आपके चुप रहने का कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि चुप रहकर भी आपने इन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया, आपने कहीं ना कहीं अपनी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, आपने अपनी बात को जिता दिया, तो वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग पर असर डाल रही हैं। साथ में इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है डीप इनसाइड की इनके इसी लड़ाई झगड़े की वजह से, इनके इसी एटीट्यूड की वजह से आप इनसे डिटैच हो रहे हो, या आप इनसे न्याय की मांग कर रहे हो और ये आपको वो जस्टिस वो न्याय नहीं दे रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से आप चुप नहीं, आप डिटैच हो रहे हो, आप इनसे मूव कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चलती रहती हैं डीप इनसाइड। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि अब आपका कॉन्सेंट्रेशन इनसे मूव हो रहा है, इनसे हट रहा है, इसीलिए आप चुप हो गए हो कि अब आपका ध्यान कहीं और है, अब आप किसी और चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हो, किसी और चीज़ पर अब आपका फोकस है, और अगर आपका फोकस किसी और चीज़ पर है तो ऑब्वियसली अब आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो। तो इस तरह से असर इनके ऊपर डाल रही हैं आपकी खामोशियां, आपकी चुप्पी। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप चुप क्या हुए इस पर्सन को, आप एक ऐसी एनर्जीज में दिखने लगे हो, एक मैस्कुलिन एनर्जी में, कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, भले आप चुप हो लेकिन आपने चुप रहकर भी इन्हें काफ़ी कुछ बोल दिया है, तो वो चीज़ें इनके मन में, इनके दिल और दिमाग पर असर डालती हैं और इन्हें कहीं ना कहीं दिल से हराती हैं कि तुम बोल कर भी सब कुछ हार गए और मैं चुप रहकर भी सब कुछ जीत गई या जीत गया। तो उस तरह से असर डाल रही हैं आपकी चुप्पी इस पर्सन के दिल और दिमाग के ऊपर। इन्हें उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है जिस चीज़ को शायद आप इन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें ना आपके शब्दों ने नहीं समझाई इस पर्सन को, वो चीज़ें आपकी खामोशियों ने समझाई हैं इस पर्सन को, ये भी मुझे दिख रहा है। यानी कि उन चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट करा है जब आपने बोलना ही बंद कर दिया। कई बार बोलते हैं ना कि ज़्यादा बोलना भी अपने लिए घातक होता है, तो आपके साथ यही हुआ, जब तक आप बोलते रहे तब तक ये आपको ईगोइस्टिक, आपको नेगेटिव या आपके लिए गलत ही सोचते रहे, लेकिन जब आपने अपने आप को चुप करा तब इनका जो चेजिंग वाली एनर्जीज है वो आपकी तरफ बढ़ने लगी है, ये मुझे दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर पूरा गेम ही पलट गया, रनर और चेजर का गेम ही यहाँ पर पलटता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में अबेंडेंस के तौर पर देख रहे हैं, एक खुशियों की तरह, एक फ्लावरिंग की तरह, या आपके साथ अपनी ज़िंदगी को एक्सपेंड करने की तरह देख रहे हैं जो एक वक्त पर आप देख रहे थे। और वो चीज़ें तब हुई जब आपने चुप करा, यानी कि आपने अपने आप को चुप रख कर अपनी बात को वजन दे दिया है, ये ऐसा फील करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग पर चलती हैं कि ऐसे आपने अपनी बात को भी वजन दे दिया, आपने अपने आप को भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाकर, एक रेस्पेक्टेड इंसान बनाकर आपने इनके सामने प्रेजेंट किया है, तो वो असर इनके दिल और दिमाग पर पड़ रहा है आपकी खामोशियों का। ठीक है, और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके दिल और दिमाग के ऊपर, गाइड कीजिए बताइए।
तो पहले आया है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। तो ये है आपकी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। पॉसिबिलिटी है एज गैप हो आप लोगों के बीच में, यानी कि चाहे ये छोटे हों या आप इनसे छोटे हों। डेफिनेटली आपने चुप रहकर ये जो गेम था जो इस पर्सन ने प्लॉट करा था रनर और चेजर का, उसे पूरी तरह से बदल दिया है, पलट दिया है, ये एनर्जीज दिख रही है। यानी कि कल तक आप इन्हें स्पाई करते थे, इन्हें ढूंढते थे सोशल मीडिया पर, लेकिन आपने चुप रहकर अपने आप को हाइड करके इनको मजबूर कर दिया है आपको ढूंढने के लिए उसी सोशल मीडिया पर, जिस पर कभी एक वक्त पर आप देखते थे। हो सकता है आप अभी भी देखते हो, लेकिन यहाँ पर अब ये भी आपको बेहद ज़्यादा देखते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली ये पर्सन ये चीज़ें देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इनका ऐसा देखना, आपको ढूंढना, इसकी वजह भी यहाँ पर ये है कि ये आपके लिए अब वो फीलिंग्स, वो अट्रैक्शन रख रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक चीज़ें पास में होती हैं तब तक आप उसे एज अ डिफ़ॉल्ट लेते हो, जैसे बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो कुछ इस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई है। जब आप पूरी तरह से साइड हो गए तब इस पर्सन के दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स जागने लगी, या आपको वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की इच्छा इनके मन में सडनली जागने लगी हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और इनके साथ अब ये हो रहा है कि कैसे उस चीज़ को बैलेंस मिलाएं, कैसे इस रिश्ते को बैलेंस मिलाएं, उस चीज़ को लेकर ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस भी फील करते हैं, वो भी एनर्जीज है। तो बेसिकली सबसे पहला असर तो यही हुआ है कि पूरा गेम पलट गया है रनर और चेजर का, ठीक है। उसके अलग इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने आप को इसीलिए चुप करा है क्योंकि इनकी बातें आपको इस कदर पिंच कर गई हैं, इस कदर हर्ट कर गई हैं कि अब आपने इनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया है। आपने उसे इस कदर सीने से लगा लिया है कि अब आपका मन ही नहीं करता, आपका दिल ही नहीं करता इनसे बात करने का। तो वो असर भी पड़ रहा है इनके ऊपर, इनकी फीलिंग्स के ऊपर, आपकी चुप्पी का, ठीक है। डिटैच एंड क्रिएटिव के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। डिटैच एंड द क्रिएटिव के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर फाइव एंड सेवन ये दोनों इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि मई और आपका हो गया जुलाई मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने अपने आप को चुप करा, ठीक है, वो चीज़ें एक साइड हो गई, इन्हें ये चीज़ें समझ में आई कि आपने चुप इसीलिए करा क्योंकि आप इनसे धीरे धीरे डिटैच्ड हो रहे हो। और इनके मन में ये थॉट आने लगा उस चीज़ को लेकर, हो सकता है अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारी चॉइसेस हो, ऐसा नहीं है कि अदर रिलेशनशिप है, लेकिन आपके चुप रहने से ये पर्सन ओवर एनालाइज करने लगे, बहुत ज़्यादा सोचने लगे, क्योंकि अब इन्हें आपके मामले में किसी भी तरह की कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि एक्चुअली में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप दूर हो रहे हो तो डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन कि भाई आपकी आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, या आप के लिए अब ये उतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रख रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। तो जो इनके आसपास के लोग भी हैं ना, ये उनसे भी कट होना शुरू हो गए हैं, उनसे भी इनकी तू तू मैं हो जाती है, उनसे भी कहीं ना कहीं इनके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। उन्हें भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से शायद आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो। तो बेसिकली प्रभाव पड़ रहा है इस पर्सन का, डाउट हर किसी पर आता जा रहा है आपके चुप रहने पर, और साथ में एक इनसिक्योरिटी भी आ रही है कि भाई आप अलग हो रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो, तो वो चीज़ें अलग मन में घर करती रहती हैं इनके। तो ये है ओवरऑल इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप अपनी पूरी पावर में आ गए हो, अपनी अथॉरिटी में आ गए हो, तो वो चीज़ें भी इनके मन में एक इनसिक्योरिटी चलाती रहती हैं, ये भी यहाँ पर है। मूव एंड द टेमिंग प्लेसेस ऑफ द ग्रेट के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। व्यूअर्स के चुप रहने का क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का।
टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो नंबर टेन यानी कि अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो आपसे इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो भाई देखो, आपके चुप रहने का क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर, स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं, उन चीज़ों की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए दिख रहे हैं जो शायद कभी लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं थे। और आप इन्हें बोल रहे थे कि भाई देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है या हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, अगर आप परिवार थे एज एन हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आपके बच्चे हो या फिर आप मैरिज करना चाह रहे थे, परिवार से रिलेटेड आपने सपने देखे थे इनके साथ, और आपने अब इन सब चीज़ों के बाद जब इनका ये बिहेवियर आपने देखा, चुप रखा अपने आप को, तो वो चीज़ें ने ऐसे असर डाल रही हैं कि आप इन्हें बार बार बोल बोलकर इनकी जिम्मेदारियाँ जो समझा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर स्ट्रेस की तरह आ रही हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरीके से नहीं उठाई हैं, और इसीलिए आपने अब अपनी लाइफ, अपनी दुनिया अलग तरीके से करनी शुरू कर दी है, या अब आपका फोकस इनसे चेंज हो रहा है, अब आप अपनी पावर में हो, आपने अपना कंसंट्रेशन कहीं और डाइवर्ट कर लिया है, मूव कर लिया है, तो वो चीज़ों का स्ट्रेस, उन चीज़ों का बर्डन इस पर्सन के दिल और दिमाग पे चलता है आपके चुप रहने के बाद, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंड लिमिटेशंस के मामले में क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द मैजिशियन, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई ये पर्सन ना बहुत मैन्युपुलेटिव थे, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे आपके सामने प्रेजेंट करते थे जैसे कि बहुत घुमा फिरा कर करते हो, और आपको समझ में आ रहा है कि ये बंदा या बंदी ना यहाँ पर अपनी चालों में लेने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी फीलिंग्स को इनके लिए बचाए रखते थे, या आप इन्हें फिर भी अपनी लाइफ में ले बनाए रखने के लिए मैच्योरिटी से इनके साथ रिश्ते को निभा रहे थे ताकि आपका रिश्ता बना रहे, बिल्ड रहे, लेकिन कभी भी इस पर्सन ने अपनी मैन्युपुलेटिव बातों पर कंट्रोल नहीं करा। लेकिन आपकी चुप्पी ने इस पर्सन के अंदर बदलाव लाया है, आपके चुप रहने से इस पर्सन की यही मैन्युपुलेशन चीज़ें थी ना उनमें बदलाव आया है, क्योंकि वो पर्सन ही जिनके सामने ये प्रेजेंट करते थे वो अब इनकी लाइफ में नहीं दिखाई ही नहीं दे रहा या दे रही। तो इनका यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं कि अब अगर इन्हें अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना है, सिचुएशन को बदलना है, तो अपने आप को भी इन्हें बदलना होगा। तो वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग पर असर डाल रही हैं, यानी कि इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई गलतियाँ जो तुम दूसरों में देखने की कोशिश कर रहे थे मेरे में भी थी वो गलतियाँ, तो वो चीज़ों का असर इनके अंदर पड़ रहा है आपके चुप रहने के बाद। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके लिए इस वक्त में अपने आप को प्रायोरिटी देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है बजाय इनके, तो वो चीज़ें भी इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं आपके चुप रहने के बाद। विन और लॉस के मामले में बताइए। ईगो एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यही एनर्जी है। बेसिकली यही जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि आप चुप क्या हो गए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जीत गए, आपने चुप रहकर अपने आप को जिता लिया है, वो चीज़ें तो डेफिनेटली इनके दिल और दिमाग में चलती रहती हैं, क्योंकि एक वक्त पर आप लोगों का रिश्ता हार और जीत का मैदान ही बन गया था, और इन्हें यही लगता है कि आप जीत गए, ये जीत कर भी हार गए और आप हार कर भी जीत गए, वो चीज़ें इनके ऊपर असर डाल रही हैं आपके चुप रहने का। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके चुप रहने से इस पर्सन के ईगो की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ी हैं, इनका ईगो यहाँ पर पूरी तरह से टूटा है, जो भी इन्होंने ईगो की जंजीरें बांध रखी थी आपने चुप रहकर अपनी तलवार से उसे तोड़ दिया है, और वही चीज़ें इन्हें आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती हैं, यानी कि जो चीज़ें इनके इन्हें आपके अगेंस्ट जाने के लिए इन्फ्लुएंस डाल रही थी, आज की डेट में वही चीज़ें इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस डाल रही हैं, ये मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। और इन्हें सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है भाई कि आप जीत गए। नंबर सिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जून मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है ये भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ओवरऑल असर आपकी खामोशियों का ही पड़ा है, ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से दिख रही हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा कि आपको ये माननी ही है, अगर आपको सही लगती हैं तो डेफिनेटली आप इसे मानिएगा।
फोर्स नहीं करा जाता है आपको गाइडेंस के मामले में, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। ईगल, स्ट्रेंजर, अर्थ मदर एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्काई फेदर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपसे यहाँ पर ये बोली जा रही है कि आप ईगल बनिएगा। ईगल का क्या मतलब है, जो दूर तक की देख पाता है, समझ पाता है, फॉरकास्ट कर पाता है। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जो भी करो, आप जो भी डिसीज़न लो, जो भी आपको डिसीज़न लेना है उसे दूर तक की सोचकर ही आपको डिसीजंस लेने होंगे। तो आपसे ये बोला जा रहा है अपने नज़रिए को बड़ा करिएगा, ब्रॉड करिएगा और दूर तक की देखिएगा। यहाँ पर भी आपसे यही बोला गया है, स्ट्रेंज मतलब आप बहुत दूर तक देखिएगा, ठीक है, हायर पर्सपेक्टिव से देखिएगा और उसके बाद ही आप कोई निर्णय लीजिएगा। और जो भी आप निर्णय ले रहे हो, जो भी आपका फॉरकास्ट निकला है, उस पर भरोसा बनाए रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि आपने दूर तक सोची है तो ऑब्वियसली उसे आने में, आप तक के करीब आने में समय भी लगेगा। तो उस पर भरोसा ज़रूर बनाए रखिएगा। और उन सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि बेचैन रहना है आपको, हड़बड़ी करते रहना है या फिर परेशान रहना है, उन सब चीज़ों के लिए एकदम से लाइट माइंड से एकदम कंफर्ट होकर आपको फील करना है। अब देखिए यहाँ पर आया है अर्थ मदर, एक प्रेग्नेंट लेडी है, एज एन कि एक बच्चा आने में भी 9 महीने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए कितना पेशेंस बनाए रखना होता है, कितना पेन, कितनी तकलीफ मिलती है, उसके बाद आपको वो गॉड गिफ्ट मिलता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ है ना, उसके लिए दर्द तकलीफ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन जब वो चीज़ आपके पास होगी तो उसके बाद आप इस दुख को, दर्द को, तकलीफ़ों को भूल जाओगे। तो ये आपसे बोला जा रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें आप सोचनी है ना, दूर तक की देखकर सोचिएगा। एज एन कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं और आपको इन्हें बदलना है, तो ऑब्वियसली समय लगेगा उस चीज़ को, उसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। वरना कंट्रोल अगर ये करने की इनकी नेचर है तो ये तो आज भी ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे ही हैं। आपको इन्हें बदलना है, थोड़ा सा इनकी सोच में आपको बदलाव लाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा तो वक्त लेना होगा। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस आई है। मेरी तरफ से कोई भी गाइडेंस नहीं है, जो कार्ड्स ने बताया मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें बोली जा रही है कि जो चाहते हो अगर वो पाना है तो पेशेंस बनाए रखना होगा और भरोसा आपको बनाए रखना होगा। तो ये थी रीडिंग कि आपके चुप रहने का क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग पर। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से कोई क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।